दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू और आज आप सबका स्वागत करता हूं हमारा इस YouTube चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर पे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत गंभीर टॉपिक है, हर वो स्टूडेंट के लिए जो होटल मैनेजमेंट कर चुका है और चाहता है कि वो आगे क्या पढ़ें। और कुछ लोगों का ये मानना है कि क्या मैं मास्टर्स करने के बाद मैनेजर बन जाऊँगा डायरेक्टली, अगर हाँ तो MBA कहाँ से करना चाहिए, MBA करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सारे सवाल का जवाब आज मैं आपको दूंगा। अगर आप पहले बार हमारा इस चैनल पर आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है, जो घंटी है, उसे दबा दीजिए ताकि आपको हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों हमारा जो चैनल है ये सिर्फ एजुकेशनल, मोटिवेशनल और जॉब्स के रिलेटेड बात करता है जो आपका करियर को संवार सकता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मास्टर्स इन होटल मैनेजमेंट क्या करना सही है। दोस्तों हर किसी का मन में ख्याल होता है कि अगर मैं होटल मैनेजमेंट किया तो मैं एक छोटा पोजीशन में जाऊंगा, अगर मैंने मास्टर्स कर लिया, MBA कर लिया तो मुझे तुरंत एक मैनेजर पोजीशन मिल जाएगा या फिर GM बन जाऊंगा या फिर डायरेक्टर ऑफ फूड एंड बेवरेज या डायरेक्टर ऑफ रूम्स बन जाऊंगा। तो ये अगर सोच आपके मन में है दोस्तों तो वो सोच को आप अभी ही निकाल दीजिए। ये इंडस्ट्री दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन नहीं मांगता, ये इंडस्ट्री मांगता है दोस्तों स्किल्स, एक्सपीरियंस और आपका नॉलेज। आप कितना नॉलेजेबल हैं, कितना स्किल्डफुल हैं, कितना एक्सपीरियंस्ड हैं, ये इंडस्ट्री ये मांगता है दोस्तों। लेकिन हाँ, अगर आप होटल मैनेजमेंट करते हैं, अगर आप मास्टर्स करते हैं तो ये तब फायदा होता है जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है 10 या 12 साल का, 8 साल का, 9 साल का, तो उस टाइम ये आपको प्रमोशंस के लिए, अगर आपको जनरल मैनेजर बनना है या फिर डायरेक्टर बनना है तो उस टाइम बहुत हेल्प करती है। साथ ही साथ ये भी है कि अगर आपके पास मास्टर्स है तो आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है कि आप मास्टर्स हैं, आपके मन में एक ऊर्जा पैदा करता है कि आप आगे जा सकते हैं, आगे कुछ कर सकते हैं। और हाँ, मैं चाहता हूं कि हर किसी के पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, लेकिन होटल मैनेजमेंट का मास्टर डिग्री लेकर आपको फायदा नहीं होगा दोस्तों। अगर आप होटल मैनेजमेंट का डिग्री कर लिए हो तो मास्टर्स मत करें होटल मैनेजमेंट में, आप कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में, आप कर सकते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग में, वो आपको ज्यादा हेल्प हो सकता है इस करियर को लेके। कई लोग आपको बोलते होंगे कि आप MSc कर लो, आप MBA इन टूरिज्म कर लो। दोस्तों वो सब करने से आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा, आपको ज्यादा फायदा ऐसे होगा अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में करें या फिर ह्यूमन रिसोर्स में करें तो ज्यादा आपको फायदा होगा, या फिर फिनांस में कर सकते हैं, अगर फिनांस में करते हैं तो भी ज्यादा आपको फायदा होगा, क्योंकि आप जब बड़ा पोजिशन में जाते हैं दोस्तों तो आपको ज्यादा से ज्यादा बिजनेस के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि आपको इनकम कैसे करना है, आपको रेवेन्यू जनरेट कैसे करना है, उस चीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब जब होटल मैनेजमेंट 3 साल का डिग्री करते हैं तो उस टाइम आपको अपना हॉस्पिटल टूरिज्म के बारे में पूरा पढ़ाया जाता है, सारे कोर्स में बेसिक हर चीज आपको पढ़ाया जाता है। और साथ ही साथ अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो गया इस इंडस्ट्री का तो फिर सोने पे सुहागा है। अगर आपके मन में ये होगा कि अगर मैं मास्टर्स कर लूंगा, MBA कर लूंगा तो मैनेजर बन जाऊंगा, तो ये सब अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि मैं जितना ज़्यादा पढ़ाई करूंगा मुझे उतना ज़्यादा बड़ा पोजीशन मिलेगा, उतना सैलरी मिलेगी, लोग मुझे इज्जत देंगे, तो दोस्तों ये इंडस्ट्री जो है यहाँ पर जितना आपको एक्सपीरियंस होगा उतना ही आपको प्रमोशन मिलेगा, साथ ही साथ आपका इज्जत उतना बढ़ते जाएगा, साथ ही साथ सैलरी भी बढ़ती जाएगी। अब बात तो इस इंडस्ट्री क्या है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड इंडस्ट्री है दोस्तों, यहाँ पर पढ़ाई से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस को नापा जाता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप MBA भी साथ में हैं तो आप बड़ा पोजीशन बड़ा आसानी से ले सकते हैं। बात करते हैं अगर किसी का मन में है कि नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ होटल मैनेजमेंट में ही मास्टर्स करना है तो कहाँ करना चाहिए। पहले तो मैं बताऊंगा दोस्तों आपको इंडिया में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इसलिए कि इस तरह का गुड कॉलेज इंडिया में कहीं नहीं है हॉस्पिटल टूरिज्म को लेके। अगर है भी, कहीं कहीं पर कॉलेज है भी जो कहते हैं कि हम आपको MBA ऑफर करते हैं, तो वहां पर दोस्तों प्रॉपर लेक्चरर नहीं है जो आपको प्रॉपर टीचिंग दे सके इंडस्ट्री के बारे में। क्योंकि अगर कोई मास्टर्स का एजुकेशन पढ़ाता है, अगर मास्टर्स का डिग्री पढ़ाता है तो दे मस्ट बी ए डॉक्टरेट, और जब कोई डॉक्टरेट है ही नहीं तो आपका लेक्चर कैसे बन सकते हैं वो, और आपको क्या सिखाएंगे वो। तो इस वजह से मैं हर किसी को मना करता हूं कि आप यहां से मास्टर्स बिल्कुल मत कीजिए अगर आप होटल मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री करना चाहते हैं। अगर आपका मन में यही है तो आप फॉरेन चले जाइए, जैसे UK है, US है, ऑस्ट्रेलिया है, कैनेडा है, जर्मनी है, आप वहां जाके अपना
करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सच में आपके पास वो पोटेंशियल है, आपके पास पैसा है पढ़ने के लिए, आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास जील है, आपके पास पैशन है कि मुझे मास्टर्स ही करना है, तो आप विदेश में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। उसके लिए जो भी इंक्वायरी है, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, वो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। आप कोई भी क्वेरी है तो आपका क्वेरी मुझे पूछ सकते हैं, या फिर हमारा जो नीचे कमेंट्स बॉक्स है दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स जरूर डालिए। मुझे लगता है अगर मैं इस सब के बारे में ज़्यादा बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके मन में और कोई भी दुविधा है तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज का हमारा वीडियो कैसे लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स जरूर कीजिए, साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिए। और दोस्तों, मैं एक नए वीडियो के साथ और फिर आऊँगा, तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।